अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे व्यूअर्स। अगर आप इस गर्मी के मौसम में चाय और कॉफ़ी पी पी कर थक चुके हैं तो आज हम बनाएंगे ओरियो मिल्क शेक, वो भी घर पर। इसकी ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही आसानी से घर पर तैयार हो जाता है विद इन 2 मिनट्स, और आपको इसको पीने के लिए मार्केट, रेस्टोरेंट या होटल जाने की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बनाती हूँ मैं इसे अपने स्टाइल में, तो देख लेते हैं। मैंने लिए हैं 2 पैकेट्स ओरियो के, ओरियो बिस्किट, जिसका मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिया है। इसको हम यहाँ से खोल लेंगे और इन बिस्किट्स को हम बाहर निकाल लेंगे खोलने के बाद, और एक कपड़े में रखकर मैं इसको बेलन की हेल्प से क्रश करूँगी। आप चाहें तो इसे जार में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुझे इसको दरदरा रखना है तो मैं इसको कपड़े में फ़ोल्ड करके बेलन से क्रश कर लेती हूँ। और जब ये हमारे क्रश हो जाएंगे तो इसको मैं एक जार में ग्राइंडर में कर लूँगी। तो देखिए हमारे क्रश हो चुके हैं। मैंने लिए है चॉकलेट फ्लेवर वाले ओरियो बिस्किट। ये वैसे खाने में भी, सिंपली खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, तो मैं इसे ग्राइंडर में कर लेती हूँ। और इसमें ऐड करूँगी मैं शुगर 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड किया है, और बिल्कुल एकदम फ्रिज का ठंडा दूध मैंने इसमें ऐड किया है 2 कप भर के। आपका आसानी से 2 ग्लास, बिल्कुल आसानी से 2 ग्लास बन जाता है ओरियो शेक। और मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए ग्राइंड हो चुका है, और आप इसमें आइस क्यूब डालकर इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा पिस गया है, थोड़ा थिक। तो अब इसमें मैं ग्लास में निकाल लेती हूँ, और मैंने हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप जो होता है वो मैंने ग्लास में कर लिया है। इससे हमारा देखने में भी बहुत यम्मी लगता है, और हमें देख कर ही इसे पीने का मन करता है। तो हर्शीज़ का जो चॉकलेट सिरप है वो बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसे इस तरह ग्लास में कर लिया है। अब मैंने जो अपना ओरियो शेक तैयार किया है वो इसमें मैं डाल दूँगी, और इसको गार्निशिंग करूँगी मैं बहुत ही अच्छी चीज़ से, जो बच्चों की और बड़ों की सभी की फेवरेट होती है, आइसक्रीम। आइसक्रीम से आइसक्रीम ली है मैंने वेनिला फ्लेवर, और वेनिला फ्लेवर को मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। और ये मेरी बहुत ही अच्छी थिक वाली, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली ओरियो मिल्क शेक बनकर तैयार हो चुका है। और थोड़े से बिस्किट के क्रस्ट थे जो मैंने रख लिए थे लास्ट में, मैं इसको अच्छा सा कि हमारा ओरियो शेक बिल्कुल मार्केट वाला लगे बच्चों को भी बड़ों को भी, तो इस पे हम बिस्किट के थोड़े क्रश किए हुए ओरियो बिस्किट के क्रश किए हुए हम बिस्किट्स को इस पर डाल देंगे। तो देखिए हमारा मिल्क बार वाला, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला ओरियो शेक घर पर बनकर तैयार हो चुका है, और ये बिल्कुल क्रीमी और थिक टेक्सचर वाला बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ओरियो शेक की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे और किसी वीडियो के साथ, एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।